गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास एट सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द एक्सरसाइज। रीड योर क्वेश्चन। Find the smallest number. Find the smallest number which must be subtracted from the given number. इस given number से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो subtract कर दी जाए to make their perfect square, जिससे ये perfect square बन जाए। इन सभी से smallest number कौन सी वो है जो subtract करने से ये perfect square बन जाए। कैसे बन जाए perfect square? तो dear student, this is very easy question using division method, using to find square root of division method। division method से square root निकालिए, जो remainder आएगी, क्या आएगी? remainder, remainder subtract from the given number to make a perfect square। तो इसको आप division method से 7581 नीचे से पेयर बनाते हैं। 8 8 64 99 80 में ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 कितना बचेगा? 1 7 -6 1। इसका डबल यहाँ करते हैं, ब्रिंग डाउन में पेयर आएगा 81। तो ये 118 चला जाएगा। 11 8 12 7 7 7 49 कैरी 4, 7 6 42 और 4 46 4, 7 4 11 कितना बचा? 11 -9 टू, 7 -6 आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर 12 आ गया, अगर ये 12 रिमाइंडर ना आता तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाता, तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर होती। तो इस नंबर से कौन सी घटानी है आपको? 12। तो लिखेंगे बी सबट्रैक्ट 12 फ्रॉम 7581 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली जो साल बी सी डी पर एक और आपको बताए देते हैं, 3 6 8 2 0 नीचे से पेयर बनाइए, तो ये 0 8 1 बन गया 1। कितना बचा? 2। इसका डबल 2, ब्रेक डाउन 68 20। इसका डबल जो आपका रिमाइंडर बचता है यही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली यू सॉल्व सी एंड डी पार्ट एट होम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।